नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और आप देख पा रहे हैं गुरुम बस्ती मोड़, जो कि गणेश मोड़ गुरुम बस्ती में, जहां पे भव्य रोड शो मिथुन चक्रवर्ती जी का होने वाला है, जो बॉलीवुड के कालिया, बॉलीवुड के डिस्को डांसर और बॉलीवुड के किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसे शख्स, ऐसे थाकर अभिनेता आज बीजेपी प्रत्याशी के लिए यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए रोड शो करने आ रहे हैं, जो कि कुछ ही पलों में अब आपका रोड शो प्रारंभ होगा और यहाँ से लेकर के चंपासारी तक जाने वाला है। तो आइए मैं आपको यहाँ का दृश्य को दिखाता हूँ और चीजों को स्पष्ट समझाता हूँ कि कैसा है माहौल यहाँ का और किस तरह की गड़बड़ाहट है, किस तरह का उनका डिमांड है और पब्लिक क्रेज है। आज भी उनके फ्रेंड के सर पे उनकी दीवानगी है और उनकी दीवानगी सर चढ़ के बोलती है। वो कहते हैं ना, एक्शन से स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये चीज यहाँ पे बखूबी देखने को मिल रहा है गुरुम बस्ती गणेश मोड़ में। तो आइए एक बार मैं अपने कैमरे के को इस तरफ लेके चलता हूँ और दिखा। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक निया मूर्ति नदी लाटागुड़ी। बताता हूँ यहाँ के हालात और इस वक्त का क्या है पोजीशन। सर, कैसा लग रहा है आपको आकर के सिलीगुड़ी में, क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है, आप बताइए जी, ये उन्माद ना, ये पागलपन क्या है, पॉजिटिव है ना, और क्या है सर? आज तक लोग आपको फिल्मों में देखे हैं, आपके प्रति दीवानगी आज भी सर तक बोल रहा है सर? दीवानगी पे ज्यादा मोदी जी की दीवानगी है। मोदी जी की जो गारंटी है ना, जो जवान में तो जवान रखते हैं, हिंदुस्तान को ये पता चल गया हो जाएगा तो और सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिरम बल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यही। सबसे बड़ा स्टार तो मोदी जी है, मोदी जी का दीवाना पब्लिक है, उसके साथ में हम लोग का दीवाना पब्लिक है, मोदी जी ही स्टार है और जहाँ भी कोई है वही मोदी जी है। मोदी जी के साथ में सारी जनता है, इस बार 400 के पार करेगी और राजू भी 5 लाख के पार करेगी। ये रैली इलाहाबाद बैंक तक जाएगी और कहाँ से आ रही है, यह गुरुम बस्ती से इलाहाबाद बैंक तक जाएगी। 400 के पार
मैडम क्या नाम है आपका? कैसा इधर आप इसके पहले उनसे मिली है कभी? पहली बार मिली है तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे? बहुत अच्छा। किस चीज के साथ आप आई थी? मिथुन जी, मिथुन जी क्या दिए आपको? ये दिए हैं आपको? बहुत आनंद दिया है, बहुत सम्मान दिया है हमको। आप कहाँ के निवासी हैं? चंपा सर। क्या कहेंगे बहन, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगे। क्या नाम है आपका? अंजलि महंत। आपको कैसा लगा? आप पहली बार? बहुत अच्छा, पहली बार मिला है। इसके पहले कभी नहीं मिले? तुमको देखे इससे पहले? कहाँ पे देखे? टीवी में। टीवी में देखे। सिनेमा भी देखे। क्या नाम है आपका? अंजलि महंत। मतलब उम्र के इस पड़ाव में भी उनका दीवानगी, दीवानगी के प्रति जो क्रेज है, बच्चे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी का उनका जो क्रेज है अभी तक भी, जो एक आइडल होके भी जो भी है एज ए सक्सेस एक्टर, मैं तो बहुत खुश हूँ उनके साथ। फर्स्ट टाइम मेरे को मिलना अभी, मतलब मेरे नसीब में पॉसिबल हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अरिंदा, अरिंदा कैसा, क्या कहेंगे आपके इस रोड शो के बारे में? आप बोलेंगे, हम लोग व्यवस्था किए हैं, देखे हैं कैसे जनो पावन पावन हुआ है। तो इसी में से मोदी जी ने जो बात बोले हैं, इस बार 400 बार राजू मिश्रा ने बोला है, इस बार 5 लाख बार, उसका प्रमाण है। तो आप और भी कुछ विषय तैयारी की है? हम लोग कुछ नहीं, ये आम जनता का स्वतस्फूर्त आज का रैली प्यार है और ये वोट बांटने में जाने का एक संकेत। लगभग कितने लोगों का समावेश देखने को मिला? आप एनालिसिस कीजिए, हमको हर सिलीगुड़ी वासी आए हैं, उनका प्यार दिया है मिथुन चतुर्वेदी को। क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का रोड शो फेल हो गया है, उनका मीटिंग भी फेल हो गया है, आदमी का अभी एक ही नारा है जय श्री राम जय श्री राम, इस बार मोदी सरकार। अपना परिचय दीजिए। अरे भाजपा का यहाँ का ओबीसी संप्रदाय का जो है संगठन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ बापी पाल। तो दर्शकों आप ये देख पा रहे थे और ये जनसैलाब जो गुरु बस्ती से शुरू होकर के चंपा साड़ी तक आया और कहीं भी खाली नहीं था और जबरदस्त भीड़, और साथ ही साथ प्रशासन के आला अधिकारी भी कमर कस के तैयार थे किसी भी किस्म का कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। पश्चिम बंगाल के सुपरस्टार जो बॉलीवुड में अपने झंडा को गाड़ रखे, पश्चिम का लहर को लहरा दिए हैं, जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आइए हमारे भी संतोष जी हैं, एक बार हम उनसे जाते हैं। कैसा लगा सर, क्या कहेंगे? कलाकार के बीच में बहुत खुशी होती है, इससे बड़ा क्या चाहिए। आप उनको इससे पहले करीब से मिले हैं? पहले देखे लगा के फ्री में देखने को मिल रहा है, पहले तो हमको टिकट का लाइन लगा के देखने को मिल रहा था, तो उनको जो सामने सामने देखने को मिल रहा है, ये अच्छी बात है। मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता, मैं सिलीगुड़ी की निवासी हूँ। तो सुन रहे थे जो जबरदस्त जन फैलाव के बीच में यह तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे अपने सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती जी को देखने के लिए। अब देखिए रोड शो समाप्त होने के बाद की जो स्थितियाँ हैं आपके समक्ष है, यहाँ पे जबरदस्त जाम, और जाम होना तो स्वाभाविक है। एक बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार, डिस्को डांसर और जबरदस्त अभिनेता जब आए तो ये तो होना ही था और ये होना ही है। एक बार आप देख पा रहे हैं जैसे अभी जैसे ही उनकी रोड शो संपन्न हुई है, रोड शो संपन्न होते ही यहाँ पे अब लोग सब अपने अपने घर की तरफ हमारे जी है। तो बुजुर्ग सर कैसा लगा आपका ये रोड शो? देख रहे होंगे जो मिथुन दा आए हुए थे, मिथुन चक्रवर्ती जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता हैं, और मिथुन दा सिलीगुड़ी में आकर के
कुछ ऐसा हुजूम जुटा दिया कि लोग कहते कि मुझे पता ही नहीं था कि मिथुन दास सिलीगुड़ी आने वाले हैं, और नहीं पता होने के बाद भी हजारों की संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे रोड पर। जैसे ही गाजे बाजे का आवाज सुना है, जैसे ही ये बात आवाज फैला है लोगों में कि मिथुन दास आ रहे हैं, तो सारे के सारे लोग रोड पर आ गए। मैंने इतना हुजूम हो गया कि हम लोग को भी लग रहा था कि किसी प्रकार का उनको दिक्कत ना हो जाए। हालांकि रोड शो अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो गया है और मिथुन दास यहाँ से निकल भी चुके हैं, लेकिन ये मिथुन दास ने यहाँ आकर के परिचय दिया है कि मोदी जी के साथ सिलीगुड़ी की जनता पूरे जय श्री राम का नारा लगा रहा और 400 पार का नारा लगा रहा। सर, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये तो सुपर स्टार है, सुपर स्टार के प्रति एक दीवानगी है, समर्पण है, उन्हें देखने आई है, इसे वोट का समझा जाए, इसको कैसे देखते हैं आप? आज के दिन में भारत ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा सुपर स्टार मोदी जी है, और उसके अंदर में जो भी स्टार सुपर स्टार आ रहे हैं वो उनके सामने तो बौना ही है। तो मिथुन दास भी मोदी जी का सहयोगी है, इस भारत का मैंने सच्चा रखवाला है, और इसीलिए मोदी जी का प्रचार करने के लिए वो सिलीगुड़ी तक। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला का एक मेंबर हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए करीब 25 वर्षों से काम करता आ रहा हूँ। सर, आज तक लोग आपको फिल्मों में देखे हैं, आपके प्रति दीवानगी आज भी सब तक हो रहा है सर? दीवानगी से ज्यादा मोदी जी की दीवानगी है। मोदी जी की जो गारंटी है ना, जो जवान देते जवान रखते हैं, हिंदुस्तान को ये पता चल गया।